मुरादाबाद में रविवार को रामगंगा विहार अहिल्या उद्धार का कलाकारों ने किया मंचन। इस मौके पर राजेश रस्तोगी ने बताया कि आज हमारे बीच मुंबई से आए रामलीला कलाकारों द्वारा अभ्यास किया जा रहा है। वहीं कुछ कलाकारों ने डायलॉग प्रस्तुत किए। रामलीला के अभ्यास कार्यक्रम में रामलीला कलाकार राजेश रस्तोगी, संजीव भारद्वाज, दिलीप भटनागर, भीम, शशि कपूर, अक्षत, राजकुमार दत्ता, देवकी नंदन, सौरभ, दीपांशी, पूनम, प्राची, बबीता, पूजा, नरेश शर्मा, दीपिका, संजीव गुप्ता, बंटी, हिमानी भटनागर, संजीव, अश्वनी, प्रेम, गुलशन, संतोष, हिमांशु, अमित शर्मा आदि मौजूद रहे। योद्धा राक्षस राज मारीच सभा में पधार रहे हैं। मैं राजेश रस्तोगी, संस्थापक निर्देशक श्री राम मानस मंच। ये श्री राम मानस मंच जो संस्था है, इसके तत्वधान में मुंबई में पिछले 40 सालों से लगातार भव्य रंगमंच पर मलाड के ग्रामलीला का प्रदर्शन होता है और हमारी ये पूरी टीम मुरादाबाद से जाती है और हम लोग जाकर वहाँ पर संपूर्ण रामायण का प्रदर्शन करते हैं। तो मलाड वेस्ट में जो ये रामलीला हो रही है पिछले 40 साल से, इसकी ख्याति चहुं ओर है, चारों तरफ इसकी ख्याति है। इसका जो प्रचार प्रसार है वो बहुत ज़्यादा है और इसलिए ये चूँकि संपूर्ण रामायण का जो प्रदर्शन है वो लगातार इतना बड़ा हो चुका है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि एक ही मंच पे किया गया कार्यक्रम एक ही संस्था के द्वारा, ये एक रिकॉर्ड है। पूरे मुरादाबाद की ना तो कोई टीम है ना मथुरा की कोई टीम है, इसका सर्वे चल रहा है, सर्च चल रही है। अगर इसमें हम लोग सफल होते हैं तो गिनीज बुक में और रिकॉर्ड ऑफ लिम्का में हम जाएंगे, हमारा नाम आएगा और हम लोग जितने भी हमारे सब आर्टिस्ट जाते हैं यहाँ से, वो सारे लोग भक्ति से परिपूर्ण हैं, सब भक्ति में जाते हैं। कोई भी आदमी हमारे साथ आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जो पैसे के लिए जाता हो, पैसे के लिए हमारा रामलीला करता हो, ना हमारी संस्था इसलिए जाती है कि हम वहाँ से पैसा कमाना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के नाम का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला समय है, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, हमारा जो हिंदुत्व है वो सुरक्षित रहे और आने वाले समय में जो हमारे हिंदुत्व के लोग हैं उनको भगवान राम के बारे में पता लगे कि इनका क्या करैक्टर है, उनका क्या चरित्र है, और उस चरित्र में से अगर कोई भी समाज, हमारे हिंदू समाज का कोई भी परिवार प्रभु श्री राम की उसमें से लीला में से अगर एक पल का भी कोई ऐसा दृश्य अपने जीवन में उतार लेगा तो मैं सुनिश्चित करता हूँ, इस बात को कहता हूँ कि उसका जीवन सफल होगा। भगवान राम की लीला देखने वाले, भगवान राम की लीला करने वाले और भगवान राम की लीला को सुनने वाले लोगों का जीवन सफल हो जाता है, उनका जो पूरा परिवार है उसमें खुशियाँ आ जाती हैं, उनका व्यापार में वृद्धि होने लगती है, सुख शांति समृद्धि प्रभु श्री राम के नाम से आ जाती है, और फिर ये तो बहुत बड़ा काम है और इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। जय श्री राम। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे रामलीला? रामायण से जुड़े जितने लोग भी इस पृथ्वी पे हैं वो सब रामायण से जुड़े, राम की गाथा को सुने, राम की गाथा को खाएं, राम की गाथा को पिए और राम के राममय हो जाएं। जितने लोग भी प्रभु श्री राम का नाम लेंगे। संजीव भारद्वाज, क्या कहना चाहेंगे? राम रोम रोम में जो बसा हुआ है, जो अंतःकरण में बसा हुआ है, जो पूरे संसार में बसा हुआ है, वही राम है। और राम नाम, राम नाम लेने से ही आदमी का उद्धार हो जाता है, वो मोक्ष प्राप्त कर जाता है, ये निश्चय जानिए। यदि हम रामायण की कोई भी जितने किरदार हैं उसमें जितने भी चरित्र हैं उसे उनका अनुपालन करें, उन्हें देखें, उन्हें सुने, उन्हें पढ़ें, तो हमारा जीवन सार्थक है। और मैं चाहूँगा कि जन जन में ये रामलीला का प्रचार हो और सब लोग इसको देखें, समझें, अपने बच्चों में संस्कार डालें, जो जो किरदार इसमें निभाए हैं कि पुत्र का पिता के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, पत्नी का पति के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, भाई का भाई के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, ये सब इसमें बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया है और इसमें अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक है।